नमस्कार सारे बीसीएन के दर्शकों को हमारे बीसीएन भविष्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है। और इस होली के महापर्व में, होलिका दहन के महापर्व में मैं परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी के कष्ट, दुख, संताप, रोग, सारे कष्ट जीवन के होलिका दहन में परमात्मा भस्म कर दें। और इस होली के पर्व में जहाँ पे रंगों का उत्सव मनाते हैं, हम इस रंगों के उत्सव में परमात्मा हम सारे जीवन में, हम सारे दर्शकों के जीवन में खुशियों के रंगों से भर दे। आइए अब हम देखते हैं कि इस 2023 में जो मार्च महीने में जो होली अपना त्यौहार आ रहा है, रंगों का त्यौहार आ रहा है, इसके तिथि के बारे में जानते हैं। क्योंकि इस बार थोड़ा होली के तिथि यानी होली पर्व के तिथि को लेके बहुत सारा मतभेद यानी कन्फ्यूजन रहा है। तो हम जानते हैं कि अभी होली का ये जो 6 तारीख का पर्व मनाना है होलिका दहन का, या 7 तारीख का होलिका दहन का पर्व मनाया गया मनाना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मतभेद है पंचांग को लेके। तो हमारे महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार ऐसा है, होलिका दहन जो होता है, होलिका दहन हम पूर्णिमा तिथि में मनाते हैं। तो दर्शकों ऐसा है कि अपना सोमवार के दिन 6 तारीख को अपना 4:15 तक का अपना चतुर्दशी है। ये सबको मालूम है कि होली का त्यौहार जो होता है अपना फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये होली का जो पर्व है, त्यौहार है, ये पूर्णिमा तिथि में मनाने के चलते 6 तारीख को यानी सोमवार को शाम के 4:15 यानी 4:16 के बाद नागपुर में अपना पूर्णिमा तिथि शुभारंभ होता है, पूर्णिमा तिथि चालू होता है। तो पंचांग भेद के अनुसार हम होली का ये जो महोत्सव है ये हम मनाएंगे 6 तारीख को शाम के 4:15 के बाद, क्योंकि 4:15 से लेकर अगले दिन यानी 7 तारीख के मंगलवार को 7 तारीख के सिर्फ शाम के 6:00 तक का ही पूर्णिमा तिथि है। तो इसके अनुसार कैसा है, एक पंचांग के अनुसार, तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि में हम होली का दहन करने के चलते हम 6 तारीख को ही होली का दहन का मुहूर्त मानेंगे, क्योंकि हमको शाम के समय होली का दहन करने के वजह से हम इसको 6 तारीख को शाम के 4:15 के बाद इसका होली का दहन का तिथि माना जाता है। तो हम 6 तारीख को होली का दहन करते हैं, 7 तारीख को शाम को इसीलिए नहीं किया जाता होली का दहन, क्योंकि 7 तारीख को यानी सोमवार को 7 तारीख को होली का दहन का मुहूर्त 6:00 के बाद नहीं है, क्योंकि मंगलवार को 7 तारीख के बाद, 7 तारीख को शाम के 6:00 के बाद प्रतिपदा चालू हो जाता है, यानी 6:07 के बाद प्रतिपदा चालू हो जाता है। तो होली का दहन क्योंकि हम शाम को मनाते हैं, संध्या काल में मनाते हैं, तो मंगलवार को संध्या काल में अपने को तिथि प्रतिपदा होने की वजह से हम 6 तारीख यानी सोमवार 6 तारीख को ही हम 4:15 के बाद यानी 6:30 सायंकाल को हम 6:30 या 7:00 जो भी है हम होली का दहन का कार्यक्रम मानते हैं। और दर्शकों देखो, ये तो हो गया होली का अपना, होली का दहन का एक अपना मुहूर्त। अभी होली का जो रंगों का त्यौहार जो मनाते हैं वो कब मनाना है, हमने वो जो त्यौहार है वो 7 तारीख को मनाना है, क्योंकि सूर्योदय के अनुसार तो उधर कई विद्वान मानते हैं इसको कि हम 8 तारीख को मनाना है, लेकिन 7 तारीख को ही हम रंगों का त्यौहार मानते हैं, क्योंकि 7 तारीख को ही रंगों का हम त्यौहार मनाने का अपना प्रतिपदा तिथि चालू हो जाता है, तो हम 7 तारीख को ही रंगों का त्यौहार मनाएंगे। तो दर्शकों ये था अपना होली का अपना मुहूर्त त्यौहार, होली का दहन एवं होली अपने रंगों का त्यौहार है वो मनाने का मुहूर्त हो गया अपना। तो दर्शकों फिर से मैं यही मंगल कामना करता हूँ हमारे सारे बीसीएन के दर्शकों को कि प्रभु हनुमान जी परमात्मा हमारे जीवन में
हर खुशी का रंग भर दे हमारे सारे बीसीएन के दर्शकों के जीवन में, खुशियां खुशियां रहे करके परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय हनुमान जी।